अगर आप टू व्हीलर यानी बाइक या स्कूटी चलाते हैं, अगर ये चार चीजें आपके पास नहीं है तो 15,000 से 20,000 का फटका लग सकता है आपको। सबसे पहली चीज है लाइसेंस। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जिस व्हीकल को आप चला रहे हैं उसके लिए। अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको 5,000 तक का फाइन लग सकता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस डॉक्यूमेंट में आपके व्हीकल की पूरी डिटेल वगैरह होती है। अगर RC आप लोगों के पास नहीं है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा आप पकड़े जाते हैं तो आपको 15,000 का फाइन भरना पड़ सकता है और 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा हो सकती है। तीसरा डॉक्यूमेंट आता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं तो भी आप ट्रबल में फंस सकते हैं। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको 2,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। बेसिकली जो इंश्योरेंस है वो काम आता है जब आपका व्हीकल चोरी हो जाता है या किसी तरीके से गुम हो जाता है, तो उस केस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से पुलिस आपको व्हीकल को ढूंढ सकती है। और चौथी चीज आती है आपका हेलमेट। आपकी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए आपके पास हेलमेट जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास किसी कंडीशन में हेलमेट नहीं है और आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो भी आपका 2,000 रुपए तक का चलान कट सकता है। ये चार डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होंगे तो कोई भी पुलिस वाला आपको हाथ नहीं लगाएगा। आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी ट्रैवल आराम से कर सकते हैं।